बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मैथमेटिक्स 8 चैप्टर थ्योरम नंबर 8.1 इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग टू द ऑब्ट्यूस एंगल टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन बाय द वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल जो है ना वो ग्रेटर देन 90 हो। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, इसमें एंगल ए जो है ना वो ग्रेटर देन 90 है, सो इस ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल की ये वर्टिसेस को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और साइड को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस बी को अपोजिट साइड ये और इस वर्टिक्स का अपोजिट साइड ये है, इसको हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल टुगेदर विद द ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल कंटेनिंग, इसमें रेक्टेंगल की बात भी है, सो रेक्टेंगल जो है ना वो भी मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये ट्राइंगल जो है ना ये इस रेक्टेंगल में बन गया है। देखिए अब हम गिवन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, फॉर एग्जाम्पल मेजर एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 और ये वाला ये सी डी, ए बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, मेजर बी सी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से और मेजर ए सी को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ड्रा सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, इस सी डी को परपेंडिकुलर लेते हैं ए बी को। ठीक है, एंड ए डी इज प्रोजेक्शन ऑफ ये जो है ना ये साइड ये ए सी का प्रोजेक्शन है, ए डी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन ए बी, ए बी की ऊपर। ठीक है, सो इस प्रोजेक्शन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ और सी डी परपेंडिकुलर को एच मीन हाइट से, फॉर एग्जाम्पल मेजर ए डी इक्वल टू एक्स एंड मेजर सी डी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। टू प्रूफ अब हम प्रूफ में राइट करते हैं कि द स्क्वायर ऑन द साइड, ये वाला द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूस एंगल, इस ऑब्ट्यूस एंगल का अपोजिट साइड का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल, ये बराबर होगा टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द कंटेनिंग साइड ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल जो है ना ये इस साइड और इस साइड पर कंटेन है, टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कंटेनिंग साइड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ए सी होल स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर टुगेदर विद मीन प्लस ट्वाइस टू द रेक्टेंगल कंटेनिंग वन ऑफ द साइड, रेक्टेंगल का ये साइड जो है ना ये ए बी पर कंटेन है एंड प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन एरिया जो है ना वो ए डी है, इसको हम जिस साइड से हमने इस साइड को रिप्रेजेंट किया है जिस अल्फाबेट से इससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल बी सी, बी सी की जगह मैं ए बी राइट कर सकता हूँ स्मॉल ए, ए सी को स्मॉल बी सी रिप्रेजेंट करते हैं, बी सी को सॉरी ए बी को स्मॉल सी सी रिप्रेजेंट करते हैं प्लस टू ए बी को स्मॉल सी से और ए डी को एक से रिप्रेजेंट करते हैं। इस थ्योरम को मैं इस साइड से प्रूव करूंगा, आप इस पर भी प्रूव कर सकते हैं और इस पर भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टेटमेंट एंड रीजन अब इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में एंगल डी जो है ना ये 90 एंगल है, इस स्मॉल ट्राइंगल में भी और इस बड़े ट्राइंगल में भी, इसको मैं अलहदा अलहदा राइट करता हूँ।
इस ट्राइंगल से मैंने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया और ये ट्राइंगल भी, ये स्मॉल ट्राइंगल है और ये लार्ज ट्राइंगल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए डी सी मेजर एंगल डी इक्वल टू 90 एज अ गिवन, ठीक है। सो ये ट्राइंगल में एंगल डी जो है ना ये 90 के बराबर है। सो बी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये इक्वेशन वन हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल अब एन ट्राइंगल बी डी सी इस ट्राइंगल में एंगल डी इक्वल टू 90 गिवन, एंगल डी 90 के बराबर है क्योंकि सी डी एस परपेंडिकुलर टू ए बी और इसमें भी सी डी एस परपेंडिकुलर टू ए बी। सो ए स्क्वेयर इक्वल टू ये बराबर है सी प्लस एक्स होल स्क्वेयर इस साइड की, ए स्क्वेयर जो है ना ये बराबर है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस एच स्क्वेयर। सो पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस की स्टेटमेंट ये है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। सो ए स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस टू सी एक्स प्लस एच स्क्वेयर। इसको मैं ज़रा अरेंज करता हूँ, ठीक है। सी स्क्वेयर प्लस ये एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस टू सी एक्स, और ये जो है ना ये एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर ये जो है ना ये बी स्क्वेयर के बराबर है, ये वाला ये बी स्क्वेयर के बराबर है। इसकी जगह मैं बी राइट करता हूँ, ए स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस इसकी तरह इसकी जगह आप बी राइट करें प्लस टू सी एक्स, हेंस ये प्रूफ हो गया, ठीक है। हेंस प्रूव दैट ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू सी एक्स, और इस तरह भी आप ये प्रूव कर सकते हैं इस साइड पर भी। ये ए स्क्वेयर जो है ना ये बराबर है इन दिस ट्राइंगल, ए स्क्वेयर जो है ना ये बराबर है बी होल स्क्वेयर बी सी होल स्क्वेयर के, और सी जो है ना ये बराबर है ए बी होल स्क्वेयर प्लस ए सी होल स्क्वेयर प्लस टू इंटू ए बी एंड ए डी। फिनिश्ड।